भागलपुर का कजौली चक इलाका। स्थानीय लोग इस इलाके को मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं। इस इलाके का बम बारूद और गोलियों से पुराना रिश्ता रहा है, लेकिन सियासत कुछ ऐसी है कि इस इलाके में पुलिस भी पांव रखने से घबराती है। कहीं न कहीं लगता है कि सरकार की मिलीभगत से ये सब घटनाएं घट रही है और सरकार केवल अपनी कुर्सी बचाने के फेरे में लगी है, बिहार के आम आवाम को देखना नहीं चाहती है। बिहार के जो जाए लोग जहन्नुम में। विस्फोट से करीब 5 किलोमीटर का इलाका दहल उठा। 10,000 परिवार पूरी रात दहशत में रहा। अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं। विस्फोट में 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस को मलबे से 5 किलो बारूद और काफी संख्या में लोहे की कीले मिली है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 2018 में 2020 में उसी घर में बम विस्फोट हुआ था और प्रशासन कोई चेती नहीं। इस बार भी जो बम ब्लास्ट हुआ है, 4 मकान तो ध्वस्त हो गए हैं, 7 जान, जो सुबह तक मुझे रिपोर्ट है, 7 जाने गई हैं और प्रशासन कुछ भी नहीं। आखिर ये बम बन रहा है कि पुलिस को खबर कैसे नहीं है। कजौली चक में बम ब्लास्ट से कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। किसी की छत गिर गई तो किसी की खिड़की में लगा शीशा टूट गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी धमाके को लेकर अफसोस जताया है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस मामले पर बात भी की। आईबी ने भागलपुर पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा है। मैं मांग करता हूं आप लोग के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री से, इसका उच्च स्तरीय जांच या सीबीआई जांच कराई और जो दोषी पदाधिकारी हो और जो दोषी लोगों को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बारूद के ढेर पे है भागलपुर, शुरू से है 2018-2020 में। बिहार के कई इलाके आतंकवादियों के कारण बदनाम रहे हैं। यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठियों की भी अच्छी खासी तादाद है। स्थानीय लोग बताते हैं कि वोट बैंक के कारण कभी भी अवैध घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई नहीं की गई, जबकि हकीकत तो ये है कि लोकल मुसलमान भी इस अवैध घुसपैठियों से परेशान हैं। समाचार प्लस के लिए भागलपुर से राजीव ठाकुर की रिपोर्ट। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।